मिशन 25 को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रीगंगानगर में जनसभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार के साथ पीएम मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आज देश में पीएम मोदी अराजकता का माहौल बना रहे हैं, लेकिन जनता सच्चाई जान चुकी है और अब उनकी जुमलेबाजी का जवाब जनता ही देगी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जहां भाजपाई मुद्दों से भटक रहे हैं, वही कांग्रेस और राहुल गांधी सिर्फ मुद्दों की ही राजनीति करते हैं। प्रदेश में कांग्रेस मिशन 25 को लेकर चल रही है और इसी पर उनका पूरा फोकस है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले पीएम मोदी ने झूठ के सहारे सत्ता हासिल की थी, लेकिन अब जनता ही उन्हें सबक सिखाएगी। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी पीएम मोदी और अमित शाह को आड़े हाथों लिया। पायलट ने कहा कि आज देश में मोदी और अमित शाह का तानाशाही रवैया है। उन्होंने आडवाणी और जोशी जैसे दिग्गज नेताओं को पार्टी से दूर कर दिया। भाजपा धर्म के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन दक्षिण के साथ देश के कई हिस्सों में भाजपा खाता भी नहीं खोल पाएगी। इस मौके पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद रहे। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने केएलएम रिजोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही रिजोर्ट के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जी आपको बता दें, श्रीगंगानगर में सीएम अशोक गहलोत गर्जे और साथ ही जमकर निशाना साधा पीएम मोदी पर और अमित शाह को बताया कि तानाशाही रवैया है पूरे देश भर में उनका, और साथ ही सचिन पायलट और रघु शर्मा भी इस जनसभा में मौजूद रहे। सचिन पायलट ने भी यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश भर में पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का तानाशाही रवैया है, लेकिन अब जनता जान चुकी है और अब जनता ही फैसला करेगी। और साथ ही ये भी कहा कि मिशन 25 पर कांग्रेस का पूरा फोकस है